नमस्कार दोस्तों, मैं कैरन कॉपर सैमन कुमार आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने फाइबर से बने हुए क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए उसमें फ्रॉड कैसे होती हैं और कैसे उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स कैसे चुने, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन करी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि लाइव प्रूफ के साथ कि उसमें किस तरह से फ्रॉड होती हैं, किस तरह से आपको उसमें समझनी पड़ेगी कि आप जब किसी भी फाइबर कंपनी को चूज़ करते हो या फाइबर खरीदते हो या फाइबर से कोई भी वर्क कराते हो, तो उसमें आपको कैसे चूज़ करनी है कि आपके लिए सही फाइबर कौन सी है। आप पैसा लगा रहे हो तो उसमें फ़ाइबर की क्वालिटी आपको क्या मिल रही है और क्या उसमें जो सफिशिएंट गारंटीज़ होती हैं आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैसे दी जाती हैं। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे विजिट करने के लिए गया था, वहाँ से हमें बुलाया गया ड्यू टू उनके ख़राब प्रोडक्ट की वजह से। जो फाइबर उन्हें दी गई थी वो 2 हफ्ते के अंदर में ही ख़राब हो गई और काफ़ी सारे जो फाइबर थे उनके ट्रांसपोर्टेशन में ही टूट फूट गई, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। तो उनको ये लगती थी फाइबर तो टूट सकती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे ही क्लेम कर सकते थे अपनी चीज़ों के लिए, उन्होंने करी नहीं। अब विजिट के दौरान मुझे ये पता चला कि जो फाइबर दी गई है उसमें मटेरियल्स ही चीप यूज़ करी गई हैं, उसमें ना तो पेंट है सही तरीके से, उसमें जो पुट्टी करी गई है वो चूना यूज़ करी गई है जिसको नाखून से पूरे देने पर ही वो निकल जाती है। सपोर्ट के लिए जो मेटल यूज़ होती है वो मेटल उसमें सिर्फ 1-2 लगी हुई थी, जस्ट कि उसके ढांचे को संभाल पाए, ना कि उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेट किया जाए जो लॉन्ग टर्म तक के लिए चले। मेटल पे लगाने से पहले फाइबर में उसमें पेंट की जाती है जिसकी वजह से वो जंग रोधक हो, उसमें जंग ना लगे, लेकिन इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो बारिश के बाद 2 हफ्तों में ही उसमें जंग लग गई थी, जिसकी वजह से कहा यह जा सकता है कि वो सारे रिप्लेस करने पड़ गए उसको, वहाँ पे फिर नए फाइबर लगाने पड़े उन्हें। लाइव एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएंगे कि फ्रॉड कैसे होती हैं। अगर फ्रॉड होती हैं तो उसमें आपको जो फाइबर यूज़ होते हैं वो किस तरह के फाइबर दिए जाते हैं, कैसे उसमें कमियाँ रहती हैं, उसमें सही से पेंट नहीं होता, सही मटेरियल यूज़ नहीं होता, जितना भार होता है उस फाइबर का उसमें उतने हिसाब से वो मेटल यूज़ नहीं करते, ना ही ढंग से पेंट करते हैं उसको, जिसकी वजह से वो थोड़े से आंधी पानी में बारिश में वो उसकी सारी रौनक चली जाती है और काफ़ी कम समय में उसको बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। आप इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्ट ना ही करो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगी। आप ये एक्सपेक्टेशन से लगाओगे कि 5 से 10 साल तो चले ही चले, तब तक में आपका रेवेन्यू जनरेट हो, जब तक ना हो तब तक वो पैसे इन्वेस्ट हो, तो रेवेन्यू अब वो हफ्ते भर में अगर ख़राब हो जाएगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको कुछ नहीं कह सकते, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इन सब में गारंटी वारंटी नहीं दी जाती। आप इस प्रोडक्ट में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो आपको 100 तरह की बीमारियां बता देंगे कि हमने तो लगाई थी सारी चीज़ें हैं लेकिन वो आपके वेदर में सही नहीं है, आपने सही बंदों को नहीं बुलाया इंस्टॉलेशन के लिए, या बारिश हो गई होगी पेंट ये वो, तो वो अपनी बहाना दे देंगे, लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द टाइम आपके पैसे ख़राब होंगे। इसके लिए सही यह है कि आप प्रिपरेशन करके किसी चीज़ को खरीदने से पहले आप सारी जगह के आइडिया ले लें, सभी जगह आप समझ लें, फिर जाके आप पैसे इन्वेस्ट करें। तो पहली चीज़ यह है कि आप खरीदोगे तो ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं करते हैं ये लोग, इसमें सहारनपुर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं ओवरऑल इंडिया में, और लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से वो वहाँ से परचेस करते हैं चीज़ें अपनी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से वो आपको टीम नहीं देते हैं, वो आपको सही मैपिंग करके नहीं देते हैं, सही प्लान नहीं बना के देंगे, जिसकी वजह से आप जो बनाओगे अपना जो अपना बैंकवेट जो भी चीज़ में डिज़ाइन करोगे फाइबर, वो आपको सही तरीके से नहीं होगी, सही फॉर्मेटिंग से नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है आप जितना पैसा लगा रहे हो उसी पैसे को आप मेटलाइज करके सही जगह इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपनी कंपनी है, हमारी कंपनी एक ऑर्गेनाइज कंपनी है, एक प्रोफेशनल वर्क करती है, इसमें हमारी खुद की टीम है जो आपको एक प्री अप्रूव्ड प्लान बना के देते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, इवन वो सिविल वर्क हो, हमारा फाइबर वर्क होता है। फाइबर के लिए हम खुद की फैक्ट्री हमारी है रुड़की में, वहाँ पे हम लोग खुद से अपनी डिज़ाइन पे अपनी डाइज बनाते हैं, जिसपे फाइबर मटेरियल हम लोग बनाते हैं, जो डिज़ाइन हम लोग 3D हम लोग खुद से डिज़ाइन करते हैं सेम उसी डिज़ाइन पे हम लोग फाइबर बनाते हैं। तो इसके लिए पूरी टीम अपने पास ऑर्गेनाइज रहती है जिसमें प्रोफेशनली वर्क होती है। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है इंस्टॉल करने के लिए तो उसमें खुद की टीम होती है हमारी, आपको 100 जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप खरीदो हमसे इंस्टॉल किसी और से करवाओ और आपको डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे पास ये सुविधाएं हैं कि आप अपना एक विचार लेके आएं कि हमें एक प्रोजेक्ट है, हमें बनानी है, हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने वेडिंग वेन्यू में, अपने रिजॉर्ट में, अपने बैंक्वेट में। हम ओवरऑल वन सॉल्यूशन लेके आते हैं कि यू कम इन अ कैडन कॉपर विल गिव यू फुल इंस्ट्रक्शंस विद सपोर्ट विद सर्विस। हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सिविल इंजीनियर्स हैं, साइड इंजीनियर्स हैं, आपको सारी सुविधाएं यही मिलती हैं, जिनको एक टेंटेटिव कॉस्ट हम लोग आप लोगों को एक्नॉलेज करते हैं कि क्या कॉस्टिंग मार्केट चल रही है और क्या कॉस्टिंग हम दे रहे हैं आपको। तो दैट्स वाई कि हमारा ये पर्पस था कि आप मार्केट की चीज़ों को समझें, उसके बाद एक सही ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें अपने काम को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।